हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आई एम नेहा सेठी एंड वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे यामिनी इन्वेस्टमेंट शेयर के बारे में। एक पेनी स्टॉक है एंड करेंट प्राइस इज 1.32। आज के सेशन में इसमें एक लोअर सर्किट हमें देखने को मिला है -4.35% का। रीज़न था कि मार्केट के सेंटिमेंट्स काफ़ी नेगेटिव थे। 52 वीक लो इज 0.40 एंड द हाई इज 3.06। तो फ्रेंड, अभी हाई के कंपैरिजन बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है इस टाइम पे ये शेयर। पॉजिटिव चीज़ क्या है, कंपनी की ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन। सो मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन इनका इंक्रीज हो रहा है एंड नेट प्रॉफिट भी इनका इंक्रीज हो रहा है। मार्केट कैप फ्रेंड्स ओनली 69 करोड़ है, फेस वैल्यू 1 रुपीज है। इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो अगर कल मार्केट ग्रीन होती है तो आपको अचीव होते देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है 1.40, सेकंड है 1.43 एंड थर्ड इज 1.46। एंड अगर नीचे के सपोर्ट बता देती हूँ आपको, फर्स्ट है 1.34, देन 1.31, देन 1.28। फ्रेंड्स, वॉल्यूम देखा गया आज के ट्रेडिंग सेशन में 12 लाख का, बिकॉज इसमें एक लोअर सर्किट था तो ज़्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला है। 50% एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि आपको शेयर को बाय करना चाहिए एंड 50% सजेस्ट करते हैं आपको इसे सेल करना चाहिए एंड 0% कहते हैं कि आपको इसे होल्ड करना चाहिए। तो 50-50% की फ्रेंड्स रेशियो है। अभी रिजल्ट का कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट फ्रेंड्स नहीं आया, जैसे ही आएगा डेफिनेटली वीडियो के थ्रू बताऊंगी। अभी कंपनी ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी इवन नहीं दी है कि इस डेट को कोई मीटिंग होगी या इस डेट को रिजल्ट आएंगे, तो पेशेंस रखिए। जैसे ही डेट अनाउंस होती है मैं आपको डेट पहले ही बता दूंगी। फ्रेंड्स, प्रमोटर्स होल्डिंग फ्रेंड्स काफ़ी कम है, ओनली 3.68% की होल्डिंग है। बाकी ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक की है 96% एंड DII भी है फ्रेंड्स इसमें 0.04%। तो फ्रेंड, आपको पता है कि प्रमोटर होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेनी स्टॉक में, तो काफ़ी कम है शेयर में। सो फ्रेंड्स, जो लोग इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं उन्हें तो अभी वेट करना है Q4 के रिजल्ट का, बट जो लोग अभी फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उन्हें एडवाइस है कि अभी मत लीजिए शेयर में फ्रेश एंट्री, बिकॉज अभी रिजल्ट कैसा आएगा ये अभी किसी को नहीं पता है। तो फ्रेश एंट्री फ्रेंड्स इसमें भी आपको नहीं लेनी, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं आप उसमें ले सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे पेनी स्टॉक्स भी ढूंढ रहे हैं तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे पेनी स्टॉक्स भी हैं, आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। बट अभी आपको इसमें फ्रेश एंट्री यही एडवाइस है कि नहीं लेनी है। बट जो लोग होल्ड करके बैठे हैं, जो लोग थोड़े से भी लॉस वगैरह में है, वो अभी Q4 के रिजल्ट का वेट करिए। अगर Q4 का रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपके टारगेट्स अचीव हो जाएंगे फ्रेंड्स। सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। अपनी हार्ड एंड मनी को कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, खुद से रिसर्च करनी है अच्छी तरह। एंड अगर चैनल को आपने किया फर्स्ट टाइम विजिट तो फ्रेंड्स प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब्स, बिकॉज यहाँ मैं लाती हूँ इंपॉर्टेंट एंड एक्यूरेट अपडेट्स। बिकॉज आपने अगर किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आपको उसके रिगार्डिंग अपडेटेड रहना बहुत ही मैंडेट होता है फ्रेंड्स, तो आपको हमेशा रहना है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है यामिनी इन्वेस्टमेंट शेयर से रिलेटेड, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बट मेरी एडवाइस है कि अभी आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेनी, रीजंस क्योंकि Q4 का रिजल्ट अभी नहीं आया। एंड द सेकेंड थिंग, मार्केट के सेंटिमेंट्स अभी नेगेटिव है फ्रेंड्स। आप सबको पता है कि मार्केट अभी थोड़ा डाउन ही है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इशू। सो अभी आपको पेशेंस से बस ऑब्जर्व करना है। थैंक यू सो मच।